जीवन जब भी हम धारण करते हैं और होश संभालते हैं, तो जो हमें संसार की जानकारी दे और विश्व से रिश्तों से परिचय कराए, वो शक्ति माँ गुरु के रूप में प्रथम भूमिका निभाती है। उसके बाद जो जानकारी हमें देता है और हिम्मत और साहस पैदा करता है, ऊंचा उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है, गुरु के रूप में वो भूमिका पिता अदा करता है। लेकिन तीसरी भूमिका होती है गुरु की, एक वो जो संसार में रोजी रोटी कमाने की विद्या सिखाए, और एक वह है जो संसार में सुख से, शांति से, आनंद से, प्रेम से जीवन जीना सिखाए और परमात्मा से मिलना सिखाए, उस गुरु को सतगुरु कहा जाता है। बहुत आवश्यक है जीवन में कि हम सभी लोग गुरु की उस भूमिका से जुड़ें कि जिससे हम धरती पर आ तो गए हैं, बस भी गए हैं, फंसे नहीं, इस दुनिया में आनंद पूर्वक जी सकें। क्योंकि मनुष्य इस संसार में किसी न किसी का अनुकरण करके जीता है, किसी की नकल करता है, किसी का अनुचरण करता है, किसी के पीछे पीछे चलता है और किसी का अनुसरण रहता है, किसी की छाया में रहकर व्यक्ति पलता है। तो हम लोग किसी को तो अपना आइडियल मानते ही हैं, लेकिन सीखना, जानना, कुछ बनने की चाह बनाए रखना और अपने भीतर की ऊर्जा का उपयोग, अपने आप को ऊपर उठाने में प्रयोग करना, ये जिस शक्ति के द्वारा प्रेरणा मिलती है, जो हमें उत्साहित करता है, उसकी भूमिका साधारण नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सारे रिश्ते कीमती हो सकते हैं, सभी रिश्तों से कीमती अगर कोई रिश्ता हो सकता है, वह गुरु का रिश्ता है। ऐतिहासिक भूमिका यदि हम लोग देखते हैं, तो जिन जिन लोगों के जीवन में गुरु की भूमिका रही, राम जी जिस भगवत शक्ति से युक्त थे, वह उनका भगवत रूप जागृत हुआ जब जीवन में गुरु वशिष्ठ का पदार्पण हुआ। इससे ये पता लगता है कि भगवान भी अगर धरती पर जन्म लेकर आएं और मनुष्य की देह धारण करें, तो गुरु उनको भी करना पड़ता है, जैसे कृष्ण भगवान को भी संदीपनी की शरण में जाकर अपनी भीतर की ज्योति को जागृत करने के लिए गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ी। महाराष्ट्र की धरती से जिस एक महान व्यक्तित्व का उदय हुआ, जब लोग गुलामी के कालखंड में अपने आप को कमजोर अनुभव कर रहे थे, तब एक शक्ति का उदय हुआ। वह शक्ति थी छत्रपति शिवाजी के रूप में, और उस शक्ति ने उस समय जब मुगलों के साथ लोग अपनी बेटी तक के रिश्ते करने लग गए थे, ऐसे में दक्षिण पश्चिम भारत से जो सूरज उगा था वीरता का, वह सूरज कोई और नहीं, शिवाजी ही था, जिसने भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति दी। लेकिन उस सूर्य के पीछे अगर हम देखते हैं कि शक्ति कौन सी थी, तो समर्थ गुरु रामदास दिखाई देते हैं, जिनकी कृपा से शिवाजी छत्रपति शिवाजी बनकर खड़े हुए। मतलब ये है कि जीवन में योग्यतम होने के लिए योग्यतम गुरु की आवश्यकता है, जो आपके जीवन के अंदर वह सब चीज़ें पैदा कर दे कि जिसे देखकर लोग ये कहें कि कुछ लोग
इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास गढ़ते हैं, तो जिनके कारण व्यक्ति ऐसा इतिहास गढ़ जाए कि दुनिया उनको देख कर के दांतों तले उंगली तो दबाए पर उससे भी ज़्यादा उसकी नकल करे, उसके पीछे चले। ये सब व्यक्तित्व निर्मित होता है कि आपका प्रेरक तत्व कौन है, आपको जगाने वाला कौन है। जैसे पत्थर के अंदर कोई देवता की मूर्ति है पर उस पत्थर के अंदर के फालतूपन को काटने वाला शिल्पी जरूर चाहिए। फालतू पत्थर को काटकर अलग कर दिया जाए तो अंदर से भगवान की मूर्ति निकल आती है। ऐसे ही हर आदमी के अंदर भगवत तत्व है, गुरु ही है, जो छांट करके काट करके फालतू चीज को निकाल देगा और आपके अंदर के देवता को जागृत कर देगा। तो उसके लिए जरूरी है कि अपने आप को गुरु के समर्पण में लाएं और सीखें, जानें। बात तब बनती है जब आप गुरु से बहुत प्रेम करते हैं, गुरु के वचनों से प्रेम करते हैं, गुरु के आदर्शों को अपनाते हैं और गुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन जीने के लिए तत्पर होते हैं। कितना प्रेम होना चाहिए आप समझ सकते हैं कि अलेक्जेंडर सिकंदर अपने गुरु अरिस्टोटल से, अरस्तु से कितना प्यार करता था। गुरु चलते हैं तो गुरु के पीछे व्यक्ति चले, लेकिन नियम होता है कि गुरु की छाया पर भी पांव नहीं पड़ना चाहिए। गुरु जैसे बताए वैसे चलिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना होता है कि गुरु हमारे मन का ध्यान रखे और हम गुरु के तन का ध्यान रखें, उन्हें कष्ट नहीं होने दें। ये शिष्य की जिम्मेदारी है और शिष्य का मन भगवान से जुड़ा रहे, ये गुरु की जिम्मेदारी। तो उन्होंने अपने शिष्य को साथ लिया और ये कहा कि छोटा सोचना छोड़ो, बड़ा सोचो। अरिस्टोटल की शिक्षा थी कि आज की उपलब्धि में संतुष्ट हो, आनंदित हो, लेकिन आगे बढ़ने का मार्ग जहाँ तक दिखाई दे बढ़ते चले जाना, रुक कर के नहीं जीना। तुम साधारण नहीं हो, विश्व शक्तिशाली की पूजा करता है और शक्ति भीतर से आती है। बहुत सारी चीज़ें वो सिखाते थे, सिकंदर के अंदर वो चीज़ें जागृत हुई, लेकिन वो अपने गुरु को मानता कितना था। ये दो उदाहरण ध्यान में रख लें तो पता लग जाएगा कि प्रेम गुरु के प्रति क्या हो सकता है। पहला उदाहरण ये है कि गुरु के साथ सिकंदर चल रहा है और एक जंगल की पगडंडी से होकर के दोनों जा रहे हैं, पीछे पीछे शिष्य है, आगे आगे गुरु। सामने एक छोटी सी नदी पड़ती थी, पानी तेज था, गुरुजी ने उसको पार करके जाना था। सिकंदर दौड़ करके आगे आ गया और बोला, गुरुदेव अब आगे से मैं बताऊंगा आपको कैसे चलना है। अब गुरुजी को लगा कैसे चलना है, ये तो मुझे बताना है, ये मुझे बताने लगा। वो जल्दी से दौड़ के आगे आया और एक पेड़ की टहनी तोड़ी और पानी में घुस गया। पानी को नापते नापते देखता रहा किधर पानी कम है, किधर कोई गड्ढा नहीं है। पूरी टोह लेने के बाद फिर कहा, गुरुदेव अब आप आइए। बाहर निकले, गुरुजी ने पूछा कि तू आदेश देने वाला बन गया मुझे, तुम्हें तो मुझे मानना चाहिए। तो उस समय जो सिकंदर ने कहा वो याद रखने लायक है। उसने कहा, गुरुदेव आपकी जिम्मेदारी भी हमारी है, मेरे जैसे लाखों सिकंदर आपके ऊपर कुर्बान किए जा सकते हैं, मेरे न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप रहेंगे तो मेरे जैसे लाखों सिकंदर को पैदा कर सकते हैं। तो आपके ऊपर कोई भी कष्ट आए, खतरा आए, शिष्य का फर्ज है कि उस खतरे को पहले अपने सिर पर ले,
और अपने गुरु की रक्षा करें। आप तो हमारे जन्म जन्मांतर की रक्षा करते हैं, इस जन्म में आपको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो कितना प्रेम और कितनी श्रद्धा थी जब वो हमला करते हुए एक छोटे से देश में पहुंचा, जीत लिया उसको, वहाँ का राजा कैदी बना करके सामने लाया गया। उस राजा ने कहा कि देखिए, आपने मुझे जीत लिया, आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर आप मुझे प्राण दंड न दें तो आपका बहुत उपकार होगा, मैं आपको कोई एक कीमती चीज दे सकता हूँ। इन्होंने कहा क्या कीमती चीज है? तो वो तहखाने में गया और एक छोटा सा बॉक्स निकाल कर, छोटी सी पेटी एक निकाल कर लाया और दे करके सिकंदर से बोला, ये लीजिए आप, सोने की छोटी सी संदूकची, एक बॉक्स जो हीरे जवाहरात से जड़ी हुई थी, वो लाकर उसने हाथ में पकड़ाई और ये कहा कि ये लीजिए आप। इसने खोल के देखा तो अंदर से तो खाली थी, कीमती हीरे लगे हुए थे बाहर। पूछा ये किस लिए है? बोले इसमें दुनिया की सबसे कीमती चीज रखी जा सकती है। अब ये आपके ऊपर है, आप किस चीज को सबसे ज्यादा कीमती मानते हैं? सिकंदर ने पूछा तुम्हारी नजर में? बोले कोई सेंट रखा जा सकता है, शराब रखी जा सकती है, पैसा रखा जा सकता है, आपकी नजर में सबसे कीमती क्या है? सिकंदर ने कहा मेरे लिए तो मेरा गुरु सबसे कीमती है, लेकिन वो इस पेटी में आने वाला नहीं। तो उस आदमी ने सिर झुकाकर कहा गुरु नहीं, गुरु की शिक्षा इसमें आ सकती है, गुरु की कोई भी शिक्षा की किताब हो वो अगर इसमें रख दी जाए तो ये बॉक्स भी कीमती हो जाएगा। जितना ये कीमती है उतनी ही कीमती चीज़ इसमें रखी जानी चाहिए। इतना सुनना था, आँख में आंसू आ गए उसके और उसने कहा दुनिया का सबसे कीमती बॉक्स तुमने दिया और उसमें दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मेरे गुरु की ज्ञान की बातें इसमें रखी जा सकती हैं, इसलिए मैं तुझे माफ़ करता हूँ और तेरा देश भी तुझे वापिस करता हूँ।